हेलो फ्रेंड, स्टडी विद निधि में आज हम ले रहे हैं जीव विज्ञान के 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स। मैंने आपके अपने पहले वीडियो में ही इसके 3 मार्कर्स कवर करा दिए थे जो 100+ थे, एंड मेरा जो सेकेंड वीडियो था बायोलॉजी में उसमें मैंने 30+ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस कवर किए थे जिसमें 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स थे। आज हम इम्पॉर्टेंट 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स कवर कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो आपको PDF मिलेगी उसमें 2014 से लेकर 2018 तक के MPPSC के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे कवर किए जा चुके हैं। और आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि 2019 और 2020 का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 2020 के जो आपको PDF मिल रही है उसमें इकाई तीन यूनिट जो थर्ड है उसका कौन सा टॉपिक अभी कवर नहीं किया है। जो भी लोग मुझसे नोट्स लेंगे उनका WhatsApp पेड ग्रुप बन जाएगा और वो 3 टॉपिक मैं उसमें उनको प्रोवाइड करूँगी जो 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो मुझसे ये PDF लेंगे उनको उनके WhatsApp ग्रुप में इसके जो क्वेश्चंस जो 3 यूनिट के जो 3 टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे। 3 टॉपिक कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हमारा सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, तो ये इसमें मैंने अभी कवर नहीं किया है, पर जो भी लोग मुझसे PDF लेंगे मैं उनको WhatsApp ग्रुप में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। दूसरा है हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता एवं बीमारियां, एक ये सेकंड टॉपिक, तो ये दोनों मैं कवर करा दूंगी। एक और था पौधों का वर्गीकरण, ये पहले वाले सिलेबस में नहीं था लेकिन हम फिर भी पढ़ते थे, तो ये पहले से कवर है पौधों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स जो यूनिट 3 है उसमें ये टॉपिक्स हैं, उसमें से जैविक कृषि और स्वास्थ्य स्वच्छता एवं बीमारियां, ये 2 टॉपिक अभी कवर नहीं किए हैं मैंने, लेकिन मैं आपको ये WhatsApp पेड ग्रुप जब बनेगा मैं उसमें आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम हमें ये मिल नहीं रहा है, मैं ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हमारे 5 और 6 मार्कर्स हैं। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो 2020 है उसमें 5 उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। डायबिटीज़ मेलिटस तथा डायबिटीज़ इंसिपिडस में भेद स्पष्ट कीजिए, इनके लक्षण व संबंधित हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन की संवेदनशीलता और कोशिकाओं में संचार ठीक से ना होना ही डायबिटीज़ मेलिटस का मुख्य कारण है। इसमें सभी तरह की डायबिटीज़ समाहित होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, गर्भावधि डायबिटीज़, सेकेंडरी डायबिटीज़। टाइप 1, टाइप 2 के बारे में हम जानते हैं, गर्भावधि डायबिटीज़ होती हैं जो सिर्फ गर्भधारण की अवस्था में के समय ही रहती है और गर्भधारण अवस्था खत्म होने के बाद अपने आप ही ये समाप्त हो जाती है। सेकेंडरी डायबिटीज़, रक्त में अत्यधिक शर्करा का होना ही डायबिटीज़ का प्रमुख लक्षण है। और क्या लक्षण है इसके, हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस है? बार बार प्यास का अनुभव, पेशाब का अनुभव, हमेशा खाने का मन करना, भूख लगना, शरीर में थकान का अनुभव होना, आंखों की रोशनी कम होना, अचानक से वज़न कम होना, सरदर्द बना रहना, चोट देर से ठीक होना। हार्मोन, अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, जो हमारा पैनक्रियाज है वो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमारा जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो कौन सा कारक जिम्मेदार है? इंसुलिन हार्मोन। डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये एक असामान्य विकार है जिसमें शरीर के द्रव्यों में असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना और बार बार पेशाब व नींद आने में समस्या होती है। ये गुर्दे से संबंधित है। लक्षण क्या होते हैं इसके? इसमें यूरिन पतला और पीला दिखना होता है, सामान्य से अलग होता है, बिस्तर गीला करने की समस्याएं हो जाती हैं, त्वचा का सूखा होना, बुखार, उल्टी, दस्त, धीमा विकास, शिशुओं और बच्चों में लक्षण दिख सकते हैं। ये
इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला रेसोप्रेसिन हार्मोन, ये इसकी कमी से। इसमें ADH एंटी डिमरिक हार्मोन भी कहते हैं, इसे एंटी डिमरिक हार्मोन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 5-6 मार्कर का, डायबिटीज़ मेलिटस तथा डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमें डिफ्रेंशिएट करना था और इसके लक्षण क्या हैं, इसके संबंधित हार्मोन। तो देखिए, हमने जो क्वेश्चन में पूछा है हमने वही, डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, तो पहले हमने वो बात की, फिर इंसिपिडस के बारे में, फिर हमने यहाँ पर डायबिटीज़ मेलिटस का क्या लक्षण क्या है, उसके हार्मोन्स कौन सा हार्मोन जिसकी कमी से या जिसके ज़्यादा होने से वो होता है, हमने वो डिस्कस किया। ऐसे हमने नेक्स्ट वाले में भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मस्तिष्क के भागों व उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में डायग्राम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ आपको नेसेसरी ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे मस्तिष्क का डायग्राम बनाया है और आपको भी इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा मस्तिष्क का डायग्राम बनाया है जिसमें हमने उसके पार्ट्स को अच्छे से डिनोट भी कर दिया है डायग्राम में, कि थैलेमस कहाँ पे, हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, अनुमस्तिष्क कहाँ है, मेरुरज्जु कहाँ है, मेडुला एबिलगेंटा, पीयूष ग्रंथि, अग्रपश्चिम मस्तिष्क, तीन भागों में डिवाइड होता है हमारा मस्तिष्क। हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख केंद्र बिंदु है। यह खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर तीन झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जब मस्तिष्क की संरचना या इसके भाग की बात करें तो तीन भाग हैं इसके, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हमने यहाँ पे क्या है, उसके भागों व उनके कार्यों का वर्णन करना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको डिस्क्राइब भी करेंगे। जैसे अग्र मस्तिष्क, इसके दो पार्ट्स हैं, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का क्या है, 2/3 संपूर्ण मस्तिष्क का होता है। जो सेरिब्रम है वो 2/3 है संपूर्ण मस्तिष्क का। किसका केंद्र होता है, ये बुद्धि और चतुराई का। हाइपोथैलेमस की बात करें अगर, तो ये तंत्रिका तंत्र का संगठन केंद्र है, मस्तिष्क का आधारीय भाग है और भूख, प्यास, गुस्सा, तापमान नियंत्रण, ये सारा काम करता है कंट्रोल करने का ये। ऐसे ही अगर के बाद हम मध्य मस्तिष्क पे आ जाते हैं, ये दूसरा बड़ा भाग है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, कार्पोरा कोर्टिजेमिना और सेरिब्रल पैडल। देखिए, जो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है इसमें हम हिंदी में ज़्यादा टफ नाम होते हैं, इसलिए हम अधिकतर कोशिश करें कि इंग्लिश के नाम को ही हम इस तरह से देवनागरी लिपि में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर जो एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में आते हैं वो हिंदी में ना लेकर वो इंग्लिश में आते हैं, और हम उसका फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश के उसमें देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भी वो इंग्लिश में देवनागरी लिपि का ही वर्जन लिखा रहता है। इसलिए आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रिपेयर करिए, ना कि उनका हिंदी मीनिंग ढूंढकर उन्हें याद करने में आप समय वेस्ट करिए। तो कार्पोरा कोर्टिजेमिना, इसमें क्या होता है, देखना सुनना अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और जो सेरिब्रल पैडल है वो स्पाइनल को मस्तिष्क से जोड़ता है। ऐसा ही हम थर्ड पार्ट का बात करते हैं, पश्च मस्तिष्क। इसके भी दो पार्ट हैं, सेरिबेलम और मेडुला एबिलगेंटा। तो सेरिबेलम क्या करता है, शरीर के बाहरी भागों का नियंत्रण करता है, चलना फिरना। मेडुला एबिलगेंटा क्या करता है, आंतरिक भागों का नियंत्रण करता है और पाचन उत्सर्जन इन सब क्रियाविधियों को देखता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मस्तिष्क भाग, उनके कार्य और डायग्राम ज़रूरी था बनाना, तो हमने यहाँ पे बनाया। ऐसे ही एक और हम 5-6 मार्कर में से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी। तो आपातकालीन हार्मोन, या इसे युद्ध हार्मोन भी कहते हैं, फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, और इसे एड्रेनलाइन हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। एड्रेनलाइन से एड्रेनालाइन, इसे एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। जो हार्मोन है हमारा एड्रेनालाइन हार्मोन, उसको हम एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। यह एड्रिनल ग्रंथियों और कुछ न्यूरॉन्स द्वारा स्रावित हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से और कुछ न्यूरॉन्स के द्वारा। ये किडनी के ऊपरी भाग में स्थित होता है। अब एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित होता है तो इसके प्रभाव क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि एड्रेनालाइन हार्मोन है वो हमारे शरीर में एक्टिव हो गया है? तो आंखें फैलना, तेजी से दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना बढ़ना, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज उत्पादन बढ़ाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। अब हम आ जाते हैं 11 और 15 मार्कर्स पे।
11 और 15 मार्कर किस तरह से लिखना है ये बहुत ज़रूरी है, और जो पूछा है वो ज़रूरी लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, और शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना है। मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। वैज्ञानिक विधि द्वारा मधु प्राप्त करने की विधि का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है या फिर हम दोनों को कहें। तो देखिए, मधुमक्खी पालन के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए व सफल मधुमक्खी पालन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमें ये लिखना है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज़ जो ऊपर लिखा है मैंने, और नीचे जो लिखा है या के बाद मैंने मधुमक्खी पालन के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए व सफल मधुमक्खी पालन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट करके अगर आ जाए, थोड़ा घुमा हुआ आ जाए, तो आपको आना चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से इसे कवर किया है। तो क्या है, पहले तो जंतु जगत में मधुमक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है। विश्व में मधुमक्खी की मुख्य 5 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं, इनमें से 4 जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, पहला एपिस इंडिका, ये भारतीय नस्ल की है। दूसरी प्रजाति एपिस डॉर्सेटा, ये बड़े आकार की होती है, भंवरा टाइप की है ना। तो ये कहाँ, नेपाल के तराई क्षेत्रों में, मलेशिया, सिंगापुर और भारत में। एपिस फ्लोरिया, ठीक है, एपिस फ्लोरिया ओरम्बी मधुमक्खी बोलते हैं इसको। एपिस मेलीफेरा इटालियन है, और इगोना ये लुत्ती मधुमक्खी बोलते हैं इसे। तो ये 5 प्रजातियाँ हो गई हैं, ठीक है, मधुमक्खी की वर्ल्ड में, जिसमें से 4 जो हैं वो इंडिया में ही पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, इंडिया के साथ और भी जगह, लेकिन इंडिया में अपने यहाँ 4 हैं एक छोड़कर। अब मधुमक्खी पालन जो है ना, मधुमक्खी पालन से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, पहला क्या है, किस किस को बेनिफिट है, किस किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो किसानों को अच्छी आय मिल सकती है, कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक है ये, और इससे क्या है, शहद, मोम जैसी, जैली जैसे उत्पादनों की प्राप्ति होती है हमें। अब हम मधु प्राप्त कैसे करते हैं, ये तो पता चल गया कि इससे फ़ायदे क्या होंगे, लेकिन हम अब इस फ़ायदा जो होने वाला है वो प्राप्त कैसे करेंगे उस मधु को कि हमें फ़ायदा हो। ये तो कैसा, देखिए, मधुकोश से मधुमक्खी के छत्तों को अलग करते हैं, और मधु निकाशन यंत्र ये स्टील का बना होता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को मधुकोश से अलग करते हैं। प्री हीटिंग टैंक होता है एक, है ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करता है, हीट करता है, और शहद को क्या करता है, पतला करता है और प्यूरीफायर करता है प्रशोधन से। और उस प्यूरीफायर से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि छत्ते में जब भी हम शहद निकालते हैं तो उसमें मोम भी, वैक्स भी होती है, तो ये मोम को छान कर अलग करता है, मतलब जो मधु है, प्योर शहद है, उसे अलग करता है और मोम को अलग करता है। इसके बाद फिर 40 माइक्रोन के कपड़े से छान कर अशुद्धियाँ अलग करते हैं। एक माइक्रो फिल्टर होता है, उस फिल्टर के अंदर 40 माइक्रोन का कपड़ा लगा होता है जिसमें वो शहद डाली जाती है। तो फिर उसमें जो अशुद्धियाँ, जो कार्बनिक पदार्थ, जो जंगल की जो जंगली चीज़ें उसमें होती हैं, और थोड़ा बहुत मोम का पार्ट आ जाता है उसमें, तो वो उस 40 माइक्रोन के कपड़े से पूरा छान कर प्योर हो जाता है। फिर मधु में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करने हेतु एक प्रोसेसिंग टैंक होता है, वहाँ से गुजरती है। वहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, भरा होता है उसमें, तो कुछ टाइम के लिए वो पानी में ही उसे छोड़ दिया जाता है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 60 से 65 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसके जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसे कूलिंग टैंक में डाला जाता है, है ना, और कूलिंग टैंक से फिर क्या होता है, सेटलिंग टैंक में डालता है, जहाँ पे जो सेटलिंग टैंक होता है वहाँ पे 24 से 36 घंटे तक, है ना, उसे एयर टाइट उसमें पोजिशन में रखते हैं ताकि वो अच्छे से पैकिंग के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद जब इतना काम हो जाता है तो हम उसे सैम्पलिंग के लिए एगमार्क अप्रूव्ड लेबोरेटरी में भेजते हैं, और अगर वहाँ से अप्रूव्ड हो जाता है तो हम उसके करते हैं पैकेजिंग करते हैं। अब मधुमक्खी पालन का महत्व क्या है, प्रोसेसिंग हो गई, देख ली हमने, अब मधुमक्खी पालन का महत्व क्या है, क्या फ़ायदा हमें इससे होगा। उच्च पोषक आहार, आयुर्वेदिक औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है, मधुमक्खी पालन से जो शहद मिलती है उससे,
और इससे क्या होता है, मधुमक्खी पालन से क्या होता है, हमको जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो उससे शहद बनेगी, शहद के साथ साथ हमको वैक्स भी प्राप्त होता है। तो जो वैक्स है वो क्या, पॉलिशिंग के लिए काम आता है, कांतिवर्धक वस्तुओं जैसे मोम की गुड़िया और मोम की बहुत सारी चीज़ें आजकल बनती हैं तो उन सब के लिए उपयोग में आता है। आय का एक स्रोत है ये भी, आयजनक, जब मोम उससे निकलेगी तो मोम से कई सारी चीज़ें बन रही हैं तो वो आय का एक साधन हो गया। मधुमक्खियाँ कई फसलों के परागण मधुमक्खियाँ करती हैं, जैसे सूरजमुखी, सरसों है, सेब है, नाशपाती है ना, इन सबको क्या करते हैं, पराग कोष उनसे परागकण लेके जाती हैं, चुगती है, तो उनकी फसलों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा इतना 200 से 300 वर्ड्स का हमारा ये आंसर हो गया है, 11 और 15 मार्कर्स का, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक लास्ट बात और बताते जाती हूँ, आपने डेमो देख लिया है 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स, अब इसके साथ ही आज हमारा बायो का मतलब पेपर 3 का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। पेपर 3 का जो पार्ट ए है, पार्ट ए है उसका सिर्फ एक पोर्शन, कौन सा, बायोलॉजी का, विज्ञान का, वो कंप्लीट होता है। मतलब आपका जो 1.1 है और 1.2 है, 2019 के जो स्टूडेंट्स 2019 के हैं उनके लिए बताती हूँ मैं कि उनका 1.2 जो है उनका वो कंप्लीट हो रहा है इससे, और जो 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट होती है, एक्सेप्ट जैविक कृषि का एक उनका टॉपिक छोटा सा, और एक उनका टॉपिक लास्ट का है जो स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारी, बस ये दो टॉपिक उनके। तो ये मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप जैसे ही मुझसे पीडीएफ परचेस करेंगे उसके कुछ दिन बाद मैं आपको ये दोनों टॉपिक अलग से प्रोवाइड कर दूंगी जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं। अब आप अगर मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको पता है 3 मार्कर्स का जो प्राइस था वो 40 रुपीज़ था, जिसमें आपको 100+ 3 मार्कर मिल रहे थे, और जो डिफ्रेंसेज हैं जो 30+ डिफरेंस दिए थे मैंने उसका प्राइस 60 रुपीज़ था, और अब जो ये 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स हैं इनका कंबाइंड प्राइस 151 रुपीज़ है। और अगर आप लोग जो भी नए व्यूवर्स हैं जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, 3, 5, 6, 11, 15 और इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो अगर आप लोग चाहते हैं, मेरे नोट्स पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और इकट्ठा लेना चाहते हैं, तो आप 220 रुपीज़, जस्ट 220 में मेरा पूरा बायोलॉजी का सब्जेक्ट परचेस कर सकते हैं फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से। इस तरह से आपका क्या है, बायोलॉजी का जो ये पोर्शन है कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इंग्लिश वालों के लिए भी जल्द ही मैं उनका ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।